हरमनप्रीत की पारी ने भारत को पहुंचाया फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। भारत की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका रही हरमनप्रीत कौर की। हरमनप्रीत ने 115 गेंदों पर 171 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। हरमनप्रीत की यह पारी महिला वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच की सबसे बड़ी पारी है। उनकी पारी के दम पर भारत ने 42 ओवरों के मैच में 4 विकेट पर 281 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 245 रन बनाकर आउट हो गई और भारत को 36 रनों से जीत मिली। हरमनप्रीत ने अपनी 64 गेंदों में ही पूरी कर ली थी, लेकिन सेंचुरी तक पहुंचने में उन्होंने केवल 90 गेंदों का सामना किया। अगले 71 रन हरमनप्रीत ने केवल 25 गेंदों पर बनाए। अपनी पारी में हरमनप्रीत ने 20 चौके और 7 छक्के लगाए। हरमनप्रीत का यह स्कोर महिला विश्व कप का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। महिला विश्व कप में सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया की ब्लेडा क्लार्क के नाम है, जिन्होंने 1997 में विश्व कप में 229 रनों की पारी खेली थी। यह वनडे अंतर्राष्ट्रीय में पहली डबल सेंचुरी भी थी। 28 वर्षीय कौर पंजाब के मोगा जिले की रहने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बैश लीग में खेलने वाली वह भारत की पहली क्रिकेटर है। वह वहाँ सिडनी थंडर्स की टीम का हिस्सा है। हरमनप्रीत का निकनेम है हैरी। उन्होंने अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच आईसीसी महिला वर्ल्ड कप T20 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उनके पसंदीदा बल्लेबाज में वीरेंद्र सहवाग, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली शामिल है। महिला विश्व कप के फाइनल में भारत का सामना मेजबान इंग्लैंड से होगा। भारत ने लीग स्टेज में इंग्लैंड को 35 रनों से हराया था।